मेरा तो दिल ही टूट गया यार, देखने की इच्छा भी नहीं करती, पर उसकी याद इतनी आती है, मैं गाने सुनता रहता हूँ उसके। तो भाई हमारा तेरा भी क्या मेरा भाई? भी मेरा भी ऐसा बिल्कुल कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन का। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस स्वागत हो चुका है आपका हमारे नए व्लॉग में। तो अभी नहा के बैठा हूँ बढ़िया, और नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं करा अभी। तो अभी नाश्ता वगैरह करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, और पापा जी भी घर पे ही, आज सभी घर पे क्योंकि आज है संडे। तो देखते हैं क्या क्या करते हैं अभी। तो आजकल बाहर तो कहीं जाना नहीं हो रहा है, तो घर की व्लॉग बन रही है आजकल। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना तो मज़ा आएगा आपको भी। तो चलो आज के दिन की शुरुआत हो गई है गाइस। तो आज संडे, तो पापा जी काम कर रहे हैं घर का पूरा। तो दिखाता हूँ मैं आपको बैक कैमरे से, अभी कुछ भी नहीं नहाया तो है कुछ नहीं, ऐसे काम में लगे रहे। मैं भी लगा हुआ था तो मैंने तो नहा लिया, तो अभी दिखाता हूँ। तो ये सारे पेड़ नर्सरी से खरीद रखे, और ये पापा जी, और ये खाद लेके आए थे पापा जी लगे। हालत देखो कैसी हो रही है अभी, क्योंकि इस काम में ऐसी हालत हो जाती है। और ये सारे नर्सरी के खरीदे हुए वहाँ तक, पूरे वहाँ तक। और ये अभी खाद और मिट्टी मिक्स, और ये रेत है इसमें। मुंह भी रुखा रुखा सो रहा नहाने के बाद, क्योंकि सर्दियों में ऐसे हो जाता है। तो कुछ लगाया भी नहीं मैंने अभी, तो फ्रैंक भी यहीं सो रहा धूप में, और यहाँ गेहूँ सूख रहे बढ़िया वाले। और ये झुमकी, तो गाइस झुमकी से मिलो, झुमकी जरा। तो ये ऐसी करती है, इसका नाम हमने बड़ा ही सोच समझ के रखा हुआ झुमकी। और ये सबसे शैतान बच्चा हमारा, सबसे शैतान है, सबसे शैतान फ्रैंक। क्या हुआ? तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद ब्लॉग करेंगे पूरी कंटिन्यू आगे की। तो भाई जी आ गया हमारा ब्रेकफास्ट, इसमें चटनी और ये साग, रूहिंडी रोटी और चाय। और नाश्ता आजकल लेट हो रहा, सारा काम वगैरह निपटाने के बाद अब है नाश्ता लेट इतनी, और धूप बड़ी। ये हमारे नंदी महाराज जी यहीं रहते हैं, देखो लो। ये हमारे नंदी महाराज जी जैसे कि दिखाया मैंने अभी, ये बहुत ही विशाल है, बढ़िया एकदम तगड़े। तो गाइस मैं प्लेट लेके आ चुका हूँ, और पापा जी अब बनाएंगे दाढ़ी, उसके बाद देखना कितने स्मार्ट बन जाएंगे, और नहाएंगे उसके बाद हम ब्लॉगिंग करेंगे। तो भाई देखो ये वाली चिड़िया आती है हमारे, अभी चावल ला के डालता हूँ, तो देखना कितनी सारी हो जाएंगी। इस पेड़ में बैठे रहते हैं सारे। देखो अभी सारी यहीं आ जाएंगी। आओ 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 भाई। तो गाइस अभी अभी देखो मैंने पापा जी भाई सिद्धू मूसे वाले गाने सुन रहे, तो वो भी सोहाई, वो जो 5 साल पुराना आया था। तो पहले पूछता हूँ कि पापा जी आप भी फैन हो गए सिद्धू मूसे वाले के? चुच्चा भाई सोहाई सुन रहे, देखो कितना सिद्धू मूसे जानते हो पापा जी जिसका गाना सुन रहे? इसको सब जानते, पूरी दुनिया जानती है। तो भाई सिद्धू मूसे वाले गाना सुन रहे थे सोहाई, हाँ ये वाला। तो बाबा जी आप कब से सुन रहे इसके? मैं तो इसका बहुत बड़ा फैन हूँ, 5 सालों से। तो बेचारे को गोली मार दी, मुझे बड़ा दुख हुआ यार, उसकी हत्या कर दी, मार दी। तो बाबा जी कैसा लग रहा है इसके गाना सुन के? इसके गाना सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा, मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ इसका, लोगों ने गोली मार के हत्या कर दी गुंडों ने, उसके माँ बाप पे क्या बीत रही यार, मुझे बहुत दुख हो रहा, बेचारा मर गया। बहुत बड़ा फैन था इसका मैं, मेरा तो दिल ही टूट गया यार, देखने की इच्छा भी नहीं करती, पर उसकी याद इतनी आती है, मैं गाने सुनता रहता हूँ उसके। तो भाई हमारा भी मेरा भी ऐसा बिल्कुल ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन गाने ना सुनूं। तो एक ही लड़का था आज अपने माँ बाप का बेचारा, बेचारे माँ बाप का क्या बीत रही होगी, मैं तो सोच के टेंशन हो रही मुझे, बेचारे माँ बाप कैसे जी उसके। तो वैसे पापा जी भी बहुत बड़े फैन थे जैसे मैं तो हूँ, मैं तो रोज गाने सुनता हूँ भाई सिद्धू मूसे वाले के। तो पापा जी बता रहे थे कि कब से सुन रहे गाने, मुझे भी आज ही पता चला, मतलब जिस दिन डेथ हुई थी उसकी तो उस दिन धूप पे बता रहे थे, पर ये नहीं पता था कि गाने भी सुन रहे। मैंने खाना भी नहीं खाया गया उस दिन मेरे से, उस दिन मेरे से उस दिन तो हम जा रखे थे कहीं घूमने, तो घर पे आया इतना दिमाग खराब हुआ, तो भाई बेकार रहा। और इसके माँ बाप बेचारे अकेले हो गए, मम्मी पापा बड़ा दुख हुआ, बहुत एक सिंगल लड़का था वो भी, अपने माँ बाप ने खाया उस रात, जिस रात मरा, वो इतना बड़ा फैन था उसका। तो अभी भी गाने सुनते हैं हम, तो मैं तो रोज ऐसा कोई सा दिन नहीं जाता जिस दिन गाने ना सुनूं। तो गाइस चलो इमॉर्टल सिद्धू मूसे वाला हमेशा अमर रहे सबके दिलों में, इतनी कम उम्र में भाई, इतनी कम उम्र में। गाइस पापा जी और गए थे नर्सरी, और मम्मी पापा जी गए थे, और वहाँ से लाए पेड़, दिखाता हूँ आपको लगा रहे हैं। जो सुबह हमने मिट्टी लाए थे ना खोद के, तो उसी में लगा रहे हैं पेड़, तो दिखाता हूँ। तो ये पेड़ है पापा जी, क्या नाम है इन पेड़ों का? पिटोनिया। क्या? पिटोनिया। पिटोनिया किस कलर के? वाइट वाइट और मेहरून। तो गए थे अभी, और ये वाला, ये भी सारे एक ही है, ये वाइट ये मेहरून। अच्छा, और उधर ये, और ये भी वाइट पिटोनिया ना, पिटोनिया।
और ये चाय मैंने बनाई अभी, इस लगा देंगे और बढ़िया करके हो जाएंगे, और ब्लॉग में देखना फिर आप जब खिल जाएंगे बढ़िया। ये सर्दी वाले फूल के पौधे हैं, जनवरी फरवरी में हो जाएंगे ना, फरवरी मार्च में बढ़िया कलर, बढ़िया करके कलर आ जाएंगे भरे भरे। तो गाइस हो चुकी है अब शाम और सूरज देवता जी जा चुके हैं, ढल चुके हैं, और इस वीडियो को यहीं पर करते ख़त्म। और सुबह सुबह ब्लॉग शुरू कर दी थी मैंने आज, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, और चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। तो आपको जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग में और नए दृश्य के साथ, नए नज़ारों के साथ, नए लोगों के साथ। तो ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।